नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं निकली हैं, तो अभी अगर आप बात करें आर्म फोर्स के परीक्षाओं की, तो उस लिहाज से 2023 अब आपका ख़त्म हो चुका है। हालांकि दिसंबर आने में अभी काफ़ी समय है। तो अभी जो एनडीए और सीडीएस की पहली परीक्षा है, जिसकी तिथि है 21 अप्रैल 2024, तो उसके अपेयरिंग के लिए दून डिफेंस एकेडमी ने क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसकी डेट है 18 मार्च, जिसके लिए आप एक महीने का क्रैश कोर्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें सितंबर में आने वाली एनडीए सेकंड और सीडीए सेकंड की परीक्षा, जिसके लिए दून डिफेंस एकेडमी ने नए बैच की घोषणा की है, जिसमें पहला बैच 29 अप्रैल, 5 मई, 12 मई, 19 मई और 26 मई है। तो अभी आपको बता दें कि जो नई परीक्षा, जो एनडीए और सीडीएस की परीक्षाएँ हैं, उसकी तैयारी के लिए नए बैच हैं। और अगर आप दून डिफेंस एकेडमी आना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ विजिट करें, यहाँ देखें। हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि दून डिफेंस एकेडमी का जो स्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैकल्टी है और जो यहाँ का स्टडी मटेरियल है, वो इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है। तो जल्द से जल्द आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और अपनी तैयारी शुरू करें। जो समय चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी 2024 का जो सत्र है या जो 24 की जो परीक्षाएँ आने वाली हैं, उसके लिए हम एक नई इबारत लिख सकते हैं। तो अभी जो कोर्स से संबंधित है या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए हमारे पास, हमारे साथ हैं दून डिफेंस एकेडमी के चीफ काउंसलर मेहरबान सिंह रावत जी। तो सबसे पहले मेहरबान सिंह रावत जी, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह रावत, चीफ काउंसलर दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर एकेडमी देहरादून से। मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था, 28 साल के बाद सेवावकाश के बाद मैं दून डिफेंस एकेडमी में ज्वाइनिंग किया। आज मुझे 10वां साल चल रहा है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बच्चों को काउंसलिंग देके उनको गाइडलाइन देता हूँ। मेहरबान सिंह रावत जी, क्या बताएंगे कि दून डिफेंस एकेडमी में आर्म फोर्स से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एपकेट, एसएससी, जीडी, एक्स वाई ग्रुप, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, मर्चेंट नेवी, एसएससी, सीजीएल की तैयारी यहाँ पर कराते हैं। साथ साथ में पिछले साल से हम फाउंडेशन का भी कोर्स करा रहे हैं, तो इस साल भी आने वाले समय में सबकी यही कोर्स कराएंगे। अच्छा, कई अभिभावक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में रहते हैं, उनको थोड़ा एनडीए और सीडीएस के बारे में पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाएं, कैसे करें, तो क्या आप बता पाएंगे कि एनडीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए, एनडीए के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी नाम से जाना जाता है, इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। बेटर हो पीसीएम साइड से हो, वैसे आर्ट, कॉमर्स, बायो भी कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए का जो पैटर्न है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, तो आर्ट, कॉमर्स के लिए थोड़ा टफ रहता हो। और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी समय थर्ड ईयर अपेयरिंग से वो अपेयरिंग कर सकते हैं। और एनडीए के लिए भी 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। एनडीए का जो एज इफेक्ट है वो 16.5 से 19.5 होता है, लेकिन इसमें बच्चा 15.5 से 18.5 साल तक की एज तक ही एनडीए के एग्ज़ाम दे सकता है। और सीडीएस का एज इफेक्ट है 19 से 24 साल, तो 23 साल तक दे सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे भारत सरकार ने नेवी एयरफोर्स के लिए अग्निवीर शुरू की है, तो कई लोगों को भ्रम की स्थिति है कि अग्निवीर ज्वाइन करें ना दें, वहाँ की परीक्षा दें ना दें, तो थोड़ा क्लियरिफिकेशन करें अग्निवीर के बारे में। देखो, अग्निवीर के लिए बहुत ही अच्छा है हर आदमी के लिए इसमें जाने के लिए। यह है कि लाइफ में ये एडवेंचर मिलना बहुत अच्छी बात है, और विशेषकर अगर जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अग्निवीर के तौर पर आता है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि वो बच्चा 100% में सेलेक्ट हो। लेकिन उसके लिए मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, एज और हाइट वेट मेडिकल में सही होना चाहिए। अच्छा, जैसे इसमें कई अभिभावकों का, बच्चों का ये मानना रहता है कि हमें ये 4 साल की नौकरी है, हम क्यों जाएं, तो उसकी स्थिति कैसी है, मतलब उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखो, अग्निवीर में जाने के लिए बहुत अच्छा सोरा मंसरा, एक यूनिफॉर्म पहनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, साथ साथ में ग्रेजुएशन भी समय मिलता है, फिर मिलिट्री एक्सपीरियंस के बाद बाहर कहीं
दूसरी सोसाइटी में भी कोई जब जाता है तो अच्छा डिसिप्लिन कॉन्टेक्ट मिलता, रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सब चीज़ की जानकारी उसको मिल जाती है। DDA में विभिन्न कोर्स कराए जाते हैं तो उसके बारे में फीस के बारे में बताएंगे कैसा रहता है? हाँ, DDA में फीस शिक्षक एक साल में एक बार निर्धारित होता है। जैसे कि अभी 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक का एक फीस का स्ट्रक्चर रहता है और हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। NDA का पैकेज, CDS का पैकेज, अग्निवीर का, फाउंडेशन का, मर्चेंट नेवी का, SSC GD का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। अगर जो अगले साल यहाँ पर एडमिशन के लिए आना चाहते हैं वो 31 दिसंबर तक, इसी साल 31 दिसंबर तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा तो उनको फिर जब अगले साल जब भी वो आए तो उनको ये पुराना फीस स्ट्रक्चर ही का फीस पेमेंट मिलेगा। ऊपर बड़ी भी फीस है उसको वो उनको नहीं मिली, वो जो लेट करेगा, जो अगले साल आएगा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो फिर उसके लिए फिर नया फीस स्ट्रक्चर लागू रहेगा। तो जैसे NDA का बच्चा, NDA में आप क्वालिफाई करना चाह रहा है, बच्चा नहीं कर पाया तो उसके लिए प्लान बी के लिए और का क्या ऑप्शन है? अगर बच्चे ने यहाँ पर NDA की तैयारी की, पास हो गया लेकिन लकली इंटरव्यू में या मेरिट में नहीं आ पाया तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन है वो ग्रेजुएशन करे, उसके बाद CDS सर्टिफिकेट करे या फिर नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में जवान के तौर पर जाए या फिर मर्चेंट नेवी में जाए। बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके लिए भी। जैसे अर्धसैनिक बल हैं उसके बारे में बताएंगे? अर्धसैनिक बल SSC GD उसकी तैयारी करेंगे, पैरामीटर फोर्स में है, BSF, ITBP, CSF, पैरामीटर पुलिस, रेलवे पुलिस, आसाम राइफल, कोस्ट गार्ड, देयर लॉट ऑफ चांसेस है क्योंकि उसमें तब एज भी अच्छा है, 20 साल तक जा सकता है। अच्छा, दूसरा जैसे बच्चा NDA नहीं क्लियर कर पाया उसको आगे की तैयारी करनी है तो उसके लिए दून डिफेंस एकेडमी में क्या व्यवस्था है? वही जैसे कि उन्होंने NDA का यहाँ पर तैयारी की, एक साल का फीस स्ट्रक्चर दिया उन्होंने तो अगर वो NDA में नहीं निकल पाता तो फिर वो बाकी आगे का उसका फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी तैयारी कर सकता हो अग्निवीर की। मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है तो दोबारा नहीं देगा? नहीं नहीं, जो 6 मंथ है, 4 मंथ है, कोई सा भी कोर्स लेगा तो उसमें आगे की तैयारी कर सकता है? नहीं, 4 महीने की वैलिडिटी 4 महीने, 6 महीने की वैलिडिटी 6 महीना है, 1 साल का है, अनलिमिटेड है वो, जब तक उसका NDA के बाद अग्निवीर में वो जा सकता है। तो आपने देखा दून डिफेंस एकेडमी के चीफ काउंसलर मेहरबान सिंह रावत जी ने आपको पूरी जानकारी दी विस्तार से कि आपको कितना, आपका क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी जूनियर में हैं, जो 8th में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, जिसमें एजुकेशन के साथ साथ NDA की भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी, जिसको फाउंडेशन कोर्स यानी कि प्रथम पक के नाम से हम जानते हैं। तो अभी जो उसमें सीटें हैं, जो 8th क्लास है जिसमें ओनली बॉयज़ है उनके लिए 40 सीटें हैं, 9th में बॉयज़ के लिए ओनली 40 सीटें हैं, 11th में बॉयज़ के लिए 60 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए भी 40 सीटें हैं। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें जिसके माध्यम से हम आपको यहाँ पर एडमिशन दे पाएँ ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद। वो इंटरव्यू की प्रोसेस अलग अलग है। तो अभी आपकी कोई और जिज्ञासा हो, कोई और सवाल हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम आपको उन सवालों के जवाब दें। धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।